उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और डीजे लेकर घर गिराने पहुंची। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाके की दुकानों को खुलने नहीं दिया गया। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी के घर को खाली करवाया, फिर बुलडोजर चलाया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुनादी का नियम है, इसलिए डीजे लेकर आए थे। आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। मामला सोमवार शाम 6:30 बजे का है। सावन का दूसरा सोमवार था। भगवान महाकाल की सवारी के दौरान टंकी चौक मार्ग स्थित बिल्डिंग से 3 लड़कों ने थूका और कुल्ला कर पानी फेंका था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक बालिग समेत 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था। बालिग आरोपी को मंगलवार को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा जा चुका है। 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। सोमवार शाम 6:30 बजे महाकाल की सवारी के दौरान आरोपी छत से थूकते और कुल्ला करते हुए देखे गए थे। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे और इंदौर के वार्ड 19 के भाजपा पार्षद मासूम जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता रात 9 बजे खारा कुआं थाने पहुंचे थे। सावनलोट निवासी भैरवगढ़ ने टंकी चौक के समीप सुपर गोल्ड बेकरी से लगी बिल्डिंग की छत पर 3 लड़कों को थूकते और कुल्ला कर पानी फेंकते देखा था। इसका मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद खारा कुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और सद्भाव बिगाड़ने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया और रात में गिरफ्तार कर लिया गया था।